म्यूजिक में परिवर्तन हो सकता है, लिरिक्स हमारा पारिवारिक जो पारंपरिक है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पीढ़ी के लोग जो है छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन साथ साथ नवीन चीजों का भी क्रिएशन होना जरूरी है। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, जग में माई भी न केहू सहाई ना हुई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई। नमस्कार, बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार, हमारे साथ हैं आलोक पांडे जी, जिनकी शुरुआत सुर संग्राम के उपजेता के रूप में की थी, उसके बाद जो है वो माटी के लाल फोक स्टार जो दूरदर्शन पर प्रसारित होती हुई थी उसमें भी विजेता के तौर पर रहे, और अभी हाल ही में जो है इन्हें उत्तराखंड के सीएम और राज्यपाल द्वारा जो है लॉर्ड बेटन पावेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन सबसे खास पहचान तो आपकी प्रभु राम के भजन के लिए की जाती है। आलोक पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन में जो माँ वैष्णो देवी द्वारा 51 जोड़ों का सुविवाह है, ऐसे पवित्र आयोजन में आपका शामिल होना यह और भी मतलब खुशी की बात है। निश्चित रूप से ऐसे अद्भुत आयोजन का हिस्सा होना परम सौभाग्य की बात मैं मानता हूँ। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से यह 12वां संस्करण है और मुझे लगता है कि महायज्ञ है ये। 51 जोड़ों का शादी समारोह जो है, वैवाहिक उत्सव का ये कार्यक्रम, और न जाने कितने महीनों से ये तैयारी चलती है और प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है। अपने आप में यह अनोखा और अतुलनीय, मतलब जितना कहा जाए उतना कम होगा इस आयोजन के बारे में। और इसके साथ साथ मैंने माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के जो द्वारा जो कार्य हो रहा है उसमें प्रमुख रूप से मैंने देखा कि माँ ब्लड सेंटर के नाम से जो एक ब्लड बैंक संचालित किया जा रहा है, वो तो मैं देख करके, और अभी मैं विजिट भी किया था, मुझे बुलाया गया था वहाँ पर, मैंने विजिट किया जहाँ पर मशीन वगैरह लगी हुई है, और मैंने देखा कि स्वेच्छा से खुशी से लोग बर्थडे पर मैरिज एनिवर्सरी पर डोनेट करते हैं आकर। कहीं ना कहीं लोगों में, कहीं ना कहीं ये लोगों में ये एक जीवन बचाने की ओर सेवा भाव से, समर्पित भाव से, आज की युवाओं में भी, हम लोगों में भी, और हमारे जैसे और भी जो हमारे भाई हैं बुजुर्ग लोग जो हैं, सब लोगों के अंदर ये भावना जग गया है। और ये हम लोग भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं कि हम देखिए, हम लोग संगीत के माध्यम से जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, लोक मंगल का कार्य कर रहे हैं, पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। हमेशा हम अपने समाज को, समाज की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके तरफ हम अपना, अपने गीतों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने एक चैनल शुरुआत किया है जिसका नाम है अमर राग। अमर राग एक चैनल है जिस पर भजन अधिकतर आप पाएंगे, राम भजन। उसमें से राम भजन ही सिर्फ नहीं मिलेगा आपको, राष्ट्रभक्ति मिलेगी, राम भक्ति मिलेगी, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज मिलेगा, उसमें लोक संगीत की खुशबू आपको नजर आएगी, जिसकी जरूरत भी है, हमारी जरूरत है। और जो लुप्त हो रही, विलुप्त हो रही जो हमारी विधाएं हैं भोजपुरी की, हमारी ध्यान उधर भी है कि हम, हमारी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं हम एक तो लोक संगीत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा भी बना जो अभी आपने चर्चा किया, माटी के लाल फोक स्टार, पूरे ऑल इंडिया के 28 राज्यों के लोक कलाकारों के बीच ये प्रतियोगिता थी। मैं उत्तर प्रदेश बिहार का संयुक्त प्रतिभागी था, भोजपुरी अवधी और तमाम जो 4-5 भाषाएं हमारे बोली जाती हैं, तो उसमें हमने अपने गीतों को रखा उसमें, और अंततः कार्यक्रम का विजेता भी बनाया, उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरी प्रयास है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, और अमर राग में जो आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी हैं श्री अमरनाथ उपाध्याय जी, आदरणीय अमरनाथ उपाध्याय जी, वो
बहुत अच्छी अच्छी रचना इस समय दे रहे हैं, हमको लिख भी रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी रचनाओं को भी मैं अपनी आवाज दे रहा हूँ। और हम लोगों का प्रयास है कि एक अभियान के तौर पे, उनका भी और हमारा भी ये प्रयास है कि एक अभियान के तौर पे इसको हम लोग लिए हैं कि एक अभियान शुरू किया जाए कि जितने भी समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे गीत के माध्यम, गीत के माध्यम, साहित्य के माध्यम से। देखिए हमारे यहाँ जब कभी भी कुछ ऐसा देश में विरोध हुआ है जिसमें आप साहित्यिक आंदोलन भी देखे होंगे, आप साहित्य के जरिए आंदोलन हुआ है, कलम उठा है, तो बोलते हैं ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो साहित्यिक आंदोलन जब होगा उसका असर बहुत व्यापक स्तर पे हुआ है, इतिहास गवाह है, हुआ है और देखने को मिलता रहता है। आज भी समय समय पर हमारे जो समसामयिक विषय पर आवाज उठाते रहते हैं आज के जो भी हमारे जो कवि हैं, लेखक हैं, तो उस पर हमारा प्रयास है। बाकी ईश्वर के हाथ में कहाँ तक क्या चीज़ें हम लोगों से करवाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुनर्जागरण का हो सके और एक हमारी जो पहचान है बिहार से, हम लोग हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, भोजपुरी भाषा का जो इस प्रकार का एक असर है और हमारी भाषा है, मदर टंग है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी भाषा में पारंपरिक चीज़ें हैं वो तो हम गए हैं, उनको तो हमें हमेशा उसको गाते रहना है, उसको आगे बढ़ाते रहना है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाना है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बाद भी आगे के जनरेशन का भी जिम्मेदारी होगी मॉडिफाई करके आधुनिक म्यूजिक के साथ, म्यूजिक में परिवर्तन हो सकता है, लिरिक्स हमारा पारिवारिक जो पारंपरिक है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पीढ़ी के लोग जो है छेड़छाड़ करेंगे, पारंपरिक चीज़ों को जो जस के तस गाएंगे, लेकिन साथ साथ नवीन चीज़ों का भी क्रिएशन होना जरूरी है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो अमर राग पर देखने को मिलेगा। ये तो अमर राग पे बखूबी लोग देखेंगे सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि एक झलक जो है आलोक पांडे जी का, चूंकि बहुत काफी दिनों बाद आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो वो एक झलक जो है आलोक पांडे जी का मैं चाहूंगा दर्शकों तक पहुंचे, कोई राम भजन या फिर कोई भी जो आपके बहुत दिल के करीब है शुभ अवसर पर, क्योंकि एक पवित्र आयोजन के बीच में आप आए हुए हैं, तो कोई सुंदर सा एक भजन हमारे दर्शकों के लिए आलोक पांडे जी की ओर से। मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने अयोध्या जी में जब कार्यक्रम हुआ था, हाँ मैं एक बात बोलना भूल गया, आपने याद दिला दिया, अभी जब अयोध्या मंदिर में राम मंदिर की जो उद्घाटन हुई उसके बाद कई समारोह हुए और हर एक समारोह में आलोक पांडे जी को बुलावा आया, और ये सौभाग्य की बात है कि आपको हर आयोजन में आपको बुलाटा आया, क्योंकि राम भजन में इनकी जो एक अलग ही लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनके भजन सुन करके। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आप जो बोले हैं, मुझे सौभाग्य मिला है और इसके लिए मैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ कि मुझे समय समय पर अच्छे आयोजनों में जो भी सम्मानित मंच है, चाहे अयोध्या का हो, चाहे संगीत नाटक अकादमी की ओर से हो, चाहे अयोध्या शोध संस्थान की ओर से हो, चाहे जनजातीय संस्थान है, लोक जनजातीय संस्थान करके एक संस्था है, वो भी समय समय पर बुलाते हैं, कबीर अकेडमी है उत्तर प्रदेश सरकार में, कई सारी संस्थाएं हैं जो समय समय पर बुलाते रहते हैं वो लोग, तो मैं जाता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना। मैं राम जी का भजन गाया हूं बहुत सारा गीत, और उसमें कुछ एक चीज़ें मैं आपको सुना दे रहा हूं। हरे रामा 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 हरे हरे, शिव सुंदर सत सत रामा, मन में नित धरे धरे। हरे रामा 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 हरे हरे, शिव सुंदर सत सत रामा, मन में नित धरे धरे। सरयू का पानी कहता, भक्ति रस जल बन बहता, लगती जब डुबकी शुभ जल, हरे रामा तन मन कहता। हरे रामा तन मन कहता, भक्ति रस झरे झरे, डुबकी जल मन मन व्यापा, भक्ति रस झरे झरे। शिव सुंदर सत सत रामा, मन में नित धरे धरे।
हरे रामा क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जो माहौल है उसको आप जो है आस्था से जोड़ देते हैं, बिल्कुल माहौल जो है वो उस लेवल में चले जाते हैं। गाना हमने और गाया था जब राम जी का आगमन हुआ अयोध्या जी में, राघो जी घर वाइलन हरे रामा सजवे बोर, चहके संगीत चिरैया झूमे पतई बिन शोर, चहके संगीत चिरैया झूमे पतई बिन शोर। देखिए जब भगवान राम जी आए हैं तो चिरई भी चहक रही है और झूमे पतई बिन शोर, पत्ता भी झूम रहा है लेकिन कोई शोर नहीं है उसमें, कोई शोर नहीं है, बिना आनंद के साथ झूम रहा है। कई प्रकार के गीत हमने गाया जिसमें सबरी जी का भी कुछ प्रसंग था, मैंने बहुत सारा गीत जो है रिकॉर्ड किया। कभी फिर बहुत और पर्याप्त समय लेंगे आपसे तो हम लोग, बिल्कुल आप हमसे समय लीजिएगा तो पर्याप्त समय में ये बोलो जिंदगी जो अपना ये प्लेटफॉर्म है, वैसे मैं बहुत इससे हमारा गहरा नाता है। देखिए इसलिए भी नाता है कि देखिए राकेश जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं जो इन्होंने बोलो जिंदगी शुरू किया, और मैं तब से हमारा इंटरव्यू ये करें जब वो शुरू किए, अभी बोलो जिंदगी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि राकेश भाई का ये बोलो जिंदगी बहुत लगन से बहुत डेडिकेशन के साथ, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मुझे उनसे प्रेम इसलिए है कि वो व्यक्ति अंदर से बड़ा प्योर है, कुछ करना चाहता है, उसकी आंखों में जुनून है, कुछ करना है, माइक उठा लिया है तो समाज को कुछ देना चाहता है। उस व्यक्ति से बात करके मैंने ये महसूस किया है। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि बोलो जिंदगी अपनी एक नया आयाम स्थापित करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आलोक पांडे जी आपका मैं एक चाहूँगा कि इतने बहुत सारे गीत आपने गाया है, क्योंकि सावन जो है अब प्रवेश करने वाले हैं सावन में, तो मैं चाहता हूँ कि बाबा की एक दो भजन जो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचा दें। देखिए हमारा बाबा का बहुत सारा गीत जो है हमने गाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमसे लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं काशी में रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ काशी में रह करके। क्या बात है कि मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, और सावन महीना आ रहा है, हम अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल की ओर से, हम अपनी ओर से जितने भी हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंततः हम जानते हैं कि राकेश जी का जो मन में हमेशा ये रहता है कि सिग्नेचर जो गाना है मेरा जिसमें मेरी पहचान है, कि जग में माई बिना केहू सहाई ना हुई, केहू कितनो दुलारे बाकिर माई ना हुई, केहू कितनो दुलारे बाकिर माई ना हुई। बहुत 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 शुक्रिया आपका आलोक पांडे जी बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।